शिवाय शंखेन्द्वाभमति वसुन्दरतनुं शार्दूलचर्मांबरं कालव्यालकरालभूषणधरं गंगाशशंकप्रियं काशीशंकलिकल्मषसौघसमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमिड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदरपहं शंकरं। जय शंकर भगवान, जय शंकर भगवान। सज्जन वृंद, आमे ये पवित्र श्रावण मासरे श्रवण करिबा काशी विश्वनाथंकर कथा। काशी धाम पवित्र धाम, मुक्ति धाम, अभिमुक्त धाम, अभिमुक्त क्षेत्र बोली काशी क्षेत्र को कहा जाए। कहीं कहा जाए आमे सुनिबा काशी रे जो विश्वनाथ अछंती साक्षात कैलासपति शंकर भगवान निजे निज को स्थानांतरित करिछंती काशी धाम को। प्रवाद अछि एकदा हिमालय रे पार्वती को अन्यन्य देवकन्या माने कहिले, आगो पार्वती देवी तुम्हार स्वामींकर घर कौठी, तुम्हार ଶ୍ୱଶୁର ଘର କେଉଁଠି ବା ଶାଶୁ ଘର କେଉଁଠି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଘରଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ତୁମରି ହିମାଳୟ ଉପରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ତୁମର ପିତାଙ୍କ ଘରେ ମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରରେ ଜୁଆଇଁ ରହିଛନ୍ତି। ଜୁଆଇଁ ଯଦି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏତେ ବଢ଼େ ନା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ପ୍ରବାଦ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ଯେ ଘର ଯା ମାଇଁ ବା ଘର ଜଇଁଆ ଯେଉଁମାନେ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଓଜନ ନଥାଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ। ଯାହା ହଉ, ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଜ୍ୱାଇଁ, ଭଉଣୀ ଘରେ ଭାଇ, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହୀନଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କଥାଟା ଭାରି ଦୁଃଖଦାୟକ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବାଧିଲା ଯେ ସତେ ତ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇଛି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ତ୍ରିଭୁବନର ଈଶ୍ୱର, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖୋଲା ଜାଗାରେ ବସୁଛନ୍ତି। ସହଜେ ତ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଦିଗମ୍ବର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଦିଗମ୍ବର ଫକୀର ହେଲେ ଚଳିବ, ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଯେ ହେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ, ହେ ମୋର ପତି ପରମେଶ୍ୱର ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି। ନା କ'ଣ? ନା କିଛି ଦେବକନ୍ୟାମାନେ ମୋତେ ଆଘାତ କରି ମୋର ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ପାର୍ବତୀ? ପଚାରିଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ। ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କ'ଣ ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଜାଗା ବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ବା କୌଣସି ତାଙ୍କର ଠିକଣା ନାହିଁ, ସେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିବାକୁ ଆଜୀବନ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ତା କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ପାର୍ବତୀ? ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ। ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘର ତିଆରି କରିଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ ବାପ ଘରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହିଲେ, ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର, ଏପରି କ୍ଷେତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଉଭୟ ରହିବା। ପାର୍ବତୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିମାଳୟ ପରି ଧନଧାନ୍ୟ ଥିବ ତ, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସବୁ ମିଳିବ ତ? ନା ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ତୁମେ ସେଠାରେ ହେଇଯିବ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା,
सेठी कौनसी अभाव रहिबो नाही ताले से क्षेत्र कोठी ना चलो जीवा। वृषभ आरोहण कले से गंगार धारे धारे चली आसिले पहुँची गले काशी क्षेत्र रे। सुंदर स्थल विश्वनाथ कहले यही हेब मोर चिरदिन क्षेत्र सर्वदा नित्य मुठी निवास करी। कैलाश पर्वत साधारण मनुष्य सब बड़े मत दर्शन करे ना किंतु ये क्षेत्र में मु सर्वदा दर्शन देवी। यह हेब अभिमुक्त क्षेत्र जो क्षेत्र को छाड़ी मुबले आउ के जीवि ना तबे काशी विश्वनाथ काशी रे रही गले एवं माँ पार्वती अन्नपूर्णा रूप धारण कले बा लक्ष्मी जमी अन्नपूर्णा पार्वती ही गले अन्नपूर्णा अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे। तेणु आम स्तुति करुचु शंकर प्राणवल्लभा हे अन्नपूर्णा तुम्हें आम को दियो भोज्य दियो भोजन दियो धनरत्न दियो अन्नपूर्णा देवी जी कि सुवर्ण वृष्टि करि पारंती सुनार धारा कनक धारा स्तोत्र शुणी अन्नपूर्णा सुवर्ण वृष्टि करिचंती। तेणु से होचंती लक्ष्मी सरस्वती से होचंती पार्वती से होचंती अन्नपूर्णा शिवंकर महाशक्ति रहिचंती आउ काशी विश्वनाथ सेठारे निवास करिचंती। काशी क्षेत्र हो जाइछि एक विशाल सुंदर शक्तिपीठ शिवशक्तिर पीठ। काशी विश्वनाथ जदि आपण दर्शन करिवे से क्षेत्र रे गणेश अछंति कार्तिकेय अछंति एवं शिवंकर समस्त पार्षद वृंद अछंति नंदी अछंति किंतु काशी विश्वनाथ स्वतंत्र भावरे निज जे स्वयंभू लिंग भावरे द्वादश ज्योतिर्लिंगर एक अंश भावरे से विद्यमान अछंति। काशी रे अनेक घाट हरिश्चंद्र घाट इत्यादि अनेक घाट अछंति 84 घाट काशी रे पवित्र गंगा नदी रे एते सुंदर घाट कुहा जाए। ये काशी वाराणसी जल रे जी भी मृत्युवरण करिव जीवंत बा मृत अवस्था रे जी गंगा जल को एठी स्पर्श करिव से मुक्ति लाभ करिव। वाराणस्यं जले मुक्ति द्वारकायं जले स्थले जले स्थले चंतरिक्षे मुक्ति श्री पुरुषोत्तमें। वाराणसी जल रे मुक्ति द्वारकार जल स्थल उभय स्थान रे मुक्ति आउ पुरुषोत्तम धाम रे जल स्थल अंतरिक्ष जेउठी मृत्युवरण कले मध्य मुक्ति सुलभ होता है कह जाए। तबे वाराणसी रे मुक्ति एथिपाई होता है जे शंकर भगवान जी मुक्ति पा नापी होता जिते बड़ पापी होता शब पहुँची गले काशी धाम रे शंकर भगवान निजे जाई तार कर्णपुटरे राम तारक मंत्र प्रदान करती शुणई दिंती। तेणु से जीवात्मा मुक्तिर भागी हो जाए। सज्जन वृंद तृतीय नयन धारणकारी शंकर भगवान कैलाश पर्वतरु आसी काशीधाम विद्यमान होती आम कहू का शीतल बाहिनी गंगा शीतल बाहिनी शीतला नदी हिसाब से गंगा कौटी अच्छा ना का शीतल बाहिनी गंगा का सी को मिसई दि काशी तल बाहिनी गंगा अर्थात काशीधामर स्थल बा काशीधामर पाखरे गंगा प्रवाहित होमती प्रवाद अच्छी कं बलवंत न बाधते शीत क्यों बलवान लोक को शीत बाधा दिए ना कं बलवंत न बाधते शीत प्रश्न जहाँ उत्तर से या कंबलवंत कंबल जहाँ पाखे थाए शीत हुए कं बलवंत न बाधते शीत ना कं बलवंत न बाधते शीत का शीतल बाहिनी गंगा ना काशी तल बाहिनी गंगा। तबे काशी तल बाहिनी गंगा होचंती पवित्रतमा से जल रे आज पर्यंत अनेक उत्तर प्रदेश
अनेक व्यक्ति कही गृह कहीं मृत्युवरण कले निजर भाई बंधु कुटुंब से गाड़ी में नहीं 200, 300, 400, 500 किलोमीटर हो बर नहीं काशी क्षेत्र रे गंगारे भसई दिंती विश्वास जे निश्चित भाव से मुक्ति लाभ करे आउ जरा जन्म दुख उघता तप्यमान हेबे नाही अर्थात बारंबार जन्म मरण चक्र रे पड़ी से दुख भाग बा दुख भोग करे ना पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं बारंबार मातृगर्भ को जीव आसुची तेणु अनेक समय जीव चिंता करे मुक्ति लाभ करी मुक्ति लाभ करिवार जो धाम जो क्षेत्र अच्छा से क्षेत्र मानक भितरे काशी क्षेत्र अन्यतम आउ काशी विश्वनाथ प्रसाद लाभ करी तांकर कृपा लाभ करी काशीर नरपति से अत्यंत प्रतापशाली होते काशी नरेश सेतेबेले महाभारत रे मध्य युद्ध करिथिले महाभारत रे जेऊ प्रचंड योद्धा मानंकर नाम उल्लेख अछि काशी राजस्तु वीरजवान बोली श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय रे सैन्य गणना रे महारथी मानंक गणना रे काशीराज आसी अत्यंत प्रतापशाली काशीराज महाभारत युद्ध रे युद्ध करिसंती पांडव मानंक पक्ष रे युद्ध करिसंती किंतु युद्ध शेष रे से मृत्युवरण करिनहंती युद्ध रे नवरी से आसी जाइसंती पांडव मानंक जय करे देई फेरिसंती काशी धाम को किंतु महाभारत रे से प्रचंड युद्ध भितरे काशीराज अनुभव कले जेहेतु काशी विश्वनाथ कृपा नहीं से जाइथिले से अजय होइथिले किंतु मन भितर गोटे गर्व आसला अहंकार आसला वास्तव में ये महाभारत युद्ध को आम एकुटिया काशीर बा काशी राजांकर सैन्य माने जीति परिथांतु जदि समस्ते गोटे पटे हो था पांडव कौरव आम गोटे पटे हो तथापि आम जिणी जाइथांतु ताहले कौन करवा युद्ध कहा सहित करवा वर्तमान तो समस्ते कहीं नहांते दुर्योधन नहीं कि दुशासन नहीं कर्ण नहांती द्रोण नहांती भीष्म नहांती कृपाचार्य नहांती कहा संगर युद्ध करिबा मने कले जे आमे जदि युद्ध करिबा तबे चलो श्रीकृष्ण चंद्र होउछन सबुठार शक्तिशाली द्वारकाधीश तांक विरुद्ध रे संग्राम करिबा काशीराज काशी विश्वनाथ पाखरे अधिया पड़िले शरण पशिले प्रभु मत बर दिंतु मु जय करी द्वारकाधीश श्रीकृष्ण चंद्र भोलानाथ भक्तर प्रार्थना श्रवण करी भक्तर गुहारी सुनी भोलानाथ तथास्तु कहीदेले से तो आशुतोष कहीदेले हाँ हाँ तथास्तु तथास्तु एवं देले तांकर त्रिशूल आउ पाशुपात अस्त्र ये अस्त्र नहीं जीवे काशीराज युद्ध करने द्वारका सैन्य संग्रह होगला सैन्य सेना साजी काशीराज जाउछंती द्वारका अभिमुखे द्वारकार अदूर अच्छा समुद्र पारी ही नांती द्वारका तो समुद्र भितर तबे समुद्र बाहर अच्छा कृष्णचंद्र देखिले द्वारका को आक्रमण करने काशीराज आसुछंती कृष्णचंद्र पथ मध्य पहुँचीगले काशीराज एवं कृष्णचंद्र प्रबल संग्राम हला से युद्ध रे काशीराज सैन्य सामंत सब बध हो गले एवं काशीराज मध्य मस्तक छेदन करदे कृष्णचंद्र सुदर्शन चक्र रे काशीराज बध हो गला ये खबर ये संवाद देवर्षि नारद आसी काशी विश्वनाथ को साक्षात कहले हे भोलानाथ आपण कौन करुछन बर व्यर्थ हो गला आपण बर देते काशीराज को कौन पे बर देते अजय होगापाई कृष्ण विजय हासिल करने कि कृष्णचंद्र सुदर्शन चक्र काशीराज शिरछिन्न हो जाए
महादेव किछि न विचारी हठात रुद्रमूर्ति धारण करी धाइले निजर सही रुद्र त्रिशूल को धरी धाइले कृष्ण के विरुद्ध संग्राम करिवा पा जेतेबेले पहुँच जाइछंती कृष्णंकर एवं शिवंकर युद्ध तीव्र युद्ध हला त्रिशूल जेतेबेले छाड़ी देइछंती शंकर भगवान काशीनाथ भगवान सुदर्शन चक्र रे से त्रिशूल तेज को हीन करी देले सेतेबेले काशी विश्वनाथ कृष्णचंद्र को स्तुति करी कहिले देखंतु मो भक्त को उद्धार करिवा पाई मु संकल्पबद्ध चाहे जहा हे जाऊ मु रुद्रमूर्ति धरी वर्तमान संहार करिवा पाई प्रस्तुत हे जीवी कृष्णचंद्र कहिले हे काशी विश्वनाथ आपण जहा चाहूचंती ताहा हबो कोंतु कोन चाहूचंती ना प्रथमे मो भक्त को जीवन न्यास दियंतु भगवान कृष्णचंद्र एपरि माया कले जे काशीराजंकर मस्तक छिन्न मस्तक पुणी जोड़ी हेगला तापर कृष्णचंद्र कहले कौन बर मागुचंती मागंतु ना मो भक्त जहाँ बर मागिव आपण ताहाँ देवे जेतेबेले काशीराज को कृष्णचंद्र पचारे हे काशीराज तुम्हें कि बर मागुच माग काशीराज कहले मु यही बर मागुची जे मोर काशी विश्वनाथ सर्वश्रेष्ठ देवता हेबे देवता मानंक भितरे ईश्वर हेबे तांक उपरे आउ कौनसी देवता रहिबे नाही सर्वश्रेष्ठ लिंग हई पूजा पाइबे भूमंडल हेले कृष्णचंद्र कहले भगवान कहले हे काशीराज धन्य तुमर इष्ट भक्ति धन्य तुमर इष्ट भक्ति धन्य तुमर प्रार्थना निश्चित पूरण हब आम शुणुले काशीराज किपरि भगवान कृष्ण को बर मागिले हे भगवान श्रीकृष्णचंद्र मत यही बर दियंतु मोर इष्टदेव काशी विश्वनाथ ए भूमंडल रे सर्वश्रेष्ठ लिंग सर्वश्रेष्ठ देवता हे पार पूजा पाइबे एवं त्रिभुवन रे समस्त दैवत मंडल रे से श्रेष्ठ बोलाइबे कृष्णचंद्र कले तथास्तु किंतु सर्वश्रेष्ठ लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंग ऊर्ध्वरे मध्य श्रेष्ठतम लिंग भाव से पूजा पाइबे एठी नुह एकाम्र कानन रे एवं पुरुषोत्तम क्षेत्र रे काशी विश्वनाथ एकाम्र क्षेत्र रे आसी हरिहरंकर जुगल विग्रह भाव रे लिंगराज रूप रे प्रपूजित हेउचंती आम उत्कल रे ओडिशा रे लिंगराज मंदिर हेउची सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग द्वादश ज्योतिर्लिंगर आराध्य लिंग होचंती लिंगराज कारण से होचंती हरिहर जुगल विग्रह सेठारे थिबा कृष्ण एवं भगवान शंकर परस्पर को आलिंगन करिथिले से आलिंगन मुद्रा से आलिंगन रूप आज एठारे एकाम्र कानन रे भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर रे विशाल सर्व बृहत लिंग भाव रे पूजा पाउचंती श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर जहा जहा नीति ताहा लिंगराज मंदिर रे यथावत पालित हेउची प्रसाद सेवा नीति पूजा कांति सबू ठीक सही परिभाव रे साधित हेउची किंतु शंकर भगवान कहले मोर गोटे इच्छा अछि हे कृष्णचंद्र मो आपणंक पाखरे नित्य सान्निध्य रे नित्य सन्निधान रहिबि कृष्णचंद्र कहले मु त खूब कम दिन भितरे द्वापर युग शेष करी निजे स्वधाम गमन करी तेबे कली युगरे निश्चित भावरे तुमर आशा पूर्ण करी हे शंकर भगवान मोर श्रेष्ठ धाम चारि युगरे जे अचल अबिचल रहिछि सेई धाम हेउछि पुरुषोत्तम धाम सेई पुरुषोत्तम धाम रे श्रीक्षेत्र रे आपण मोर द्वार रे सिंह द्वार पारिहेला बेलकु बाम पार्श्वरे रहिबे आपणंकु मु दर्शन करिबे आपण मते दर्शन करिबे जेते भक्त आसिबे प्रथमे आपणकु दर्शन करिबे सेही स्थान रे रही मोर भक्तबानंकु आपण करुणा दृष्टि देबे एवं सेही स्थान रे आपणकर इच्छा बांछा पूर्ण हेबो नित्य सन्निधान रे आपण रहिबे एवं प्रत्येक दिन आपण सेही कैवल्य खळा बा
कैवल्य निधान द्वाविंशति सोपान बाईश पहाचरे अन्न आग कुड़ुआ बिक्री होता बाईश पहाच पका कैवल्य हेउछि बिका हंडिक पड़े शिवका मनरंका छड़ाइबा से बाईश पहाचर अवतरणिकार रही स्वयं काशी विश्वनाथ जहाँ को दर्शन करी जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन कले समस्त मंगल समस्त कल्याण हुए तबे काशी क्षेत्र निवास जे काशी क्षेत्र निवास करिव तहार अनंत पुण्य हव काशी विश्वनाथ कृपार काशी धाम हो जाइछंती पंडित मानकर ज्ञानी मानकर धाम सर्वज्ञानी गण कहते काशी पंडित भूषपंडित ना काशी पंडित वाराणसी प्रथम थिला संस्कृतर विद्या निकेतन एवं भारतवर्षर कोणानुकोण रु आसुले विद्यार्थी माने संस्कृत अध्ययन करने वेद वेदांत उपनिषद पुराण भगवद गीता इत्यादि न्याय शास्त्र दर्शन शास्त्र मंत्र तंत्र ज्योतिष एवं आयुर्वेद ज्योतिर्वेद हो आयुर्वेद हो समस्त वेद एवं उपवेद शाखा मान सहित काशी धाम रे ताहा सुलभ एवं पंडित माने सेठारे अध्ययन करी निज निज अंचल को जाई संस्कृत शिक्षार प्रचार करुथिले आर्यावर्तर भारत भूमि भाषा हेउछे संस्कृत भाषा जो संस्कृत भाषा रे रहिछि पूरी रहिछि आमर समस्त दार्शनिकता समस्त तत्व समस्त तथ्य आमर जीवन आमर अमृतत्व वेदर तत्व सब पूरी रहिछि संस्कृत भाषा रे एवं से संस्कृत भाषार प्रधान पीठस्थल बा शिक्षण प्रशिक्षण स्थल हेउछि काशीधाम जो काशीधाम रे भगवान शंकराचार्य आरंभ करी गोस्वामी तुलसीदास आरंभ करी अनेक आचार्य मधुसूदन सरस्वती इत्यादि अनेक अनेक आचार्य संत से माने काशीधाम रे ही रही निजर गुरु शिष्य परंपरा सृष्टि करिछंती तैलंग्य स्वामी यही स्थान रे काशीधाम रे रहुथिले किछि भोजन करंती नाही दीर्घ 300+ बयस वर्ष 300+ वर्ष से जीवन धारण करिथिले आउ विशुद्ध गंगा जल सेवन करुथिले प्रतिदिन केवल गंगा जल सेवन करी से जीवन निर्वाह करी 300+ वर्ष से बंचिथिले तेणु काशी धाम हेउछि काशी विश्वनाथंकर कृपा कैवल्यर धाम जो शंकर भगवानंकर स्तुति आम आरंभरु करुथिले काशी संकलि कलम सौघ समन कल्याण कलपद्रम जो काशीश्वर हेउछंती कलिजुगर कलमस पाप तापर सी होती अपनोदनकारी पाप ताप को प्रशमन करती से ही काशी विश्वनाथ होती कल्याणर कल्पद्रुम मंगलर कल्पलता से होती नौमिड्यंग गिरीजापति गुण निधि कंदर्पंग शंकरम जे कंदर्प को भस्म कर दे जो शंकर भगवान जी गिरीजांकर पति जी पार्वती पति से देखा केमिति शंकर भगवान शंखेन्द्वाभमतीव सुंदर तनु शंखपरी धवल इंदु माने चंद्रपरी धवल अतीव सुंदर तनु शिवं सुंदरम सत्यं शिवं सुंदरम तेणु सुंदर शरीर धारण करिछन्दि शंकर भगवान शंख इंदु आभं अतीव सुंदर तनु पिंधिछन्दि कौन शार्दूल चर्मांबरं शार्दूल व्याघ्र चर्म को अंबर लुगा करी पिंधि थांती एवं काल व्याल कराल भूषण धरं काल सर्प कराल काल सर्प को से भूषण करिछंती हार करिछंती कंठे जार हार होइछि काल काल को कंठ रे जे कवलित करिछंती गंगा शशंक प्रियं गंगाधर एवं शशधर से शंकर भगवान काशी विश्वनाथ को कोटि कोटि प्रणाम जय शंकर भगवान जय शंकर भगवान।